मैं उनका नाती हूँ। अच्छा, हाँ तो मैं भी आता रहता हूँ, मैं भी अभी फिलहाल यहीं रह रहा हूँ। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन है ना, लाइट है, आप ये देख रहे हैं कोई लाइट वगैरह नहीं है। अच्छा, लाइट भी नहीं है यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं। आ गए हम अटल बिहारी वाजपेयी के गांव में और उनका हम घर दिखाने वाले। फैमिली गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हो फर्स्ट क्लास हैं। तो भाई आज हम आपको दिखाने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी का गांव। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी का गांव है वटेश्वर, जो आगरा से 70 किलोमीटर दूर पड़ता है और इटावा से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है और अपने शिकवाबाद से 23 किलोमीटर दूर उनका गांव है बटेश्वर। आपको पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज हम बटेश्वर गांव दिखाने वाले हैं कि, और हाँ, उनका घर दिखाने वाले हैं कि अपने जो देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उनका घर कहाँ, किस जगह पड़े बड़े और उन्होंने बचपन यहाँ बिताया, वो हम चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। पहली बार हम ऐसा वीडियो बना रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। तो चलते हैं, प्रॉपर दिखाने वाले हैं कि गाँव घर कैसा रहा उनका और कैसा है अभी इस समय। ठीक है, चलते हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, सच बता रहे बहुत ज़्यादा। आप लोग घर देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का घर देखने वाले हैं आप। ठीक है, गांव प्रत्येक गांव उनका देखने वाले हैं आपको। तो आप लोग एक्साइटेड हैं या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइए, लेकिन हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। चलते हैं, ये रास्ता गई हुई है, ये रास्ता गई है। जैसे मंदिर है अपना ये वटेश्वर धाम, उससे थोड़े ही आगे आपको गाँव मिल जाएगा उनका, थोड़े ही आगे। ये पहली गली ही है, वहीं उनके घर के लिए रास्ता गई है। तो चलते हैं, बस आ ही गए हम। भैया हमारे एक मिले हैं, ये बताएंगे, हमें पता नहीं है। नमस्ते भैया, ये अटल बिहारी वाजपेयी घर कहाँ पड़ेगा? जी ये मंदिर बन रहा है। अच्छा, तो ये बता सकते हैं यहाँ पे वो कै साल तक रहे, मतलब कितने साल तक यहाँ पे रहे? कितने साल तक तो नहीं कह सकते जी। अच्छा, आते रहे जैसे हम लोग आते, मैं भी यहीं से हूँ, मैं उनका नाती हूँ। अच्छा, हाँ तो मैं भी आता रहता हूँ, मैं भी अभी फिलहाल यहीं रह रहा हूँ। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाती हैं। तो ये बताइए सर कि जब वो प्रधानमंत्री वगैरह बन गए तो वो आते थे? हाँ, तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, मतलब गांव में आए? हाँ, और नॉर्मल तरीके से आएंगे, बिल्कुल हाव भाव तरीके से नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा वो, मतलब कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा, वो नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल तरीके से। अच्छा अच्छा, तो ये गाँव अपना बटेश्वर पड़ता है ना? ये देखिए, तो उनके नाती मिले हैं। हम लोग फाइट भी कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट क्या है यहाँ कुछ कर नहीं रही है, हम लोग फाइट कर रहे हैं गवर्नमेंट से। अच्छा, तो बताइए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, शायद आपकी बात सुनी जाए। ये जो है मंदिर है जी, ये हमारे भारत में जितने भी वाजपेयी हैं जी, उनकी कुल माता मंदिर है। अच्छा, हम भी तिवारी है। अच्छा जी, जो कुलदेवी होती है ना, कुल जी जी जी, वो कुलदेवी यही है। और बहुत सारे वाजपेयियों को ये भी नहीं मालूम है कि उनकी कुलदेवी माता मंदिर कहाँ है। अच्छा, यही है? यही है। चलिए चलिए, देख, आज से नहीं है, हजारों साल पुराना मंदिर है ये। अच्छा, ये वाजपेयी का ही मंदिर है। अच्छा, यहीं पर अटल जी आते थे, उसके सामने जो घर है, पहले हम जो हमारे बाबा वगैरह थे वहीं रहते थे। अच्छा अच्छा, बाबा भाई थे जी, तो हम लोग यहीं रहते थे। अच्छा, वो टूट गए इसलिए अब इसमें रहना पड़ा। हाँ, क्योंकि आप, हमने देखा है यहाँ पे कोई, मतलब तरक्की नहीं है बिल्कुल। तरक्की की बात करेंगे तो बात ये है ना कि अब जैसे कि श्रद्धांजलि है जी, जयंती पूरे देश में मनाई जाती है, बिल्कुल पूरे देश में हर जगह तमाम जगहों पर मनाया जाता है जी, लेकिन एक भी राजनेता जी, पूरे राज्यों के नेताओं की बात करते जी, जी। एक भी राजनेता, कोई भी प्रशासनिक आदमी यहाँ पर नहीं आता है जी, ना श्रद्धांजलि में आता है ना जयंती पर आता है। कहने को तो अटल जी की जो जयंती पूरे देश में मनाई जाती है, श्रद्धांजलि मनाई जाती है, वो यहीं नहीं आते। और आप ये भी देख सकते हो ना कि अटल जी के नाम से तमाम चीजें हो रही हैं, बहुत हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ भी नहीं। तभी तो आज हम उनका गांव देखने वाले, दिखाने वाले हैं आप लोगों को। इसलिए कह सकते हैं कि आप ये देख सकते हैं ग्राउंड पे कुछ भी नहीं है, ग्राउंड पे वही कुछ दिख ही नहीं रहा हमें, कुछ नहीं दिख रहा है। और यहाँ जो उनका जो खंडर घर है जी, उसके लिए भी हम मांग करते आए हैं और वो आज भी बदाली के शुरू हो रहा है। अच्छा, उसकी भी घर बदहाल पड़ा हुआ है, क्या है सब जंगली तो ये देखिए, सब जंगल टाइप में है, लेकिन यहाँ यहाँ कोई सुनाई नहीं है। ये हमें मिले हैं अटल जी के नाते, अटल फाउंडेशन के माध्यम से, मैं उसका अध्यक्ष हूँ। अच्छा अच्छा, हम इसी के माध्यम से हम अभी कॉलेज की मांग की है, 3 साल हो गए फाइट करते करते। अच्छा अच्छा, और हैरानी की बात तो ये है कि एक कॉलेज जो अटल जी के नाम से, एक पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न जी, उनके नाम से जो हम कॉलेज मांग रहे हैं उसकी मांग करते करते 3 साल हो गए हैं, बताइए। तो एक आम आदमी कहाँ जाता होगा जो अपनी मांग करता होगा, एक प्रधानमंत्री के लिए मांग है, वो भी उस प्रधानमंत्री के लिए जिन्होंने मतलब पूरे देश के लिए गया। देश के लिए गया। तो गाइस, आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें भैया की बात सुन के, और हम घर दिखाने वाले हैं आपको अभी कि यहाँ पे कितना फाउंडेशन है, यही यहाँ की मांग कर रही है लंबे समय से। अच्छा, अटल जी के लिए। तो ये देखिए, फाउंडेशन है यही स्कूल वगैरह के लिए, लेकिन यहाँ पे अभी कोई तरक्की नहीं हो रही, कोई सरकार यहाँ पे नजर नहीं दे रही है, कोई भी सुनाई नहीं है।
220 करोड़ की घोषणाएं हुई थी, जिसमें 31 घोषणाएं 31 प्रोजेक्ट थे। लाइक आपका एक जंगलात की कोठी, जहां वो पहली बार गिरफ्तार हुए जी, एक गांधी चबूतरा जहां पर उनको गिरफ्तार किया गया जी। इसके अलावा आप जाएंगे, यहां से बाहर निकलते है तुलसी घाट जी, उस घाट का इसके सामने कुआं है उसको, और ये जो हमारा वाजपेयी का मंदिर इसका जीर्णोद्धार, ये अटल जी का पैतृक घर है इसका जीर्णोद्धार जी। इसके अलावा जो अटल जी के नाम से पार्क बनना था, फुआरा बनना था और एक द्वार बनना था, और इसको लिंक करना चाह रहे थे ये आपका लखनऊ एक्सप्रेस वे जी वो, और आप देखेंगे ये जो जमीन सामने पड़ी है समतल हो रही है जी, यहाँ पर वो कॉलेज बनना था वो जो नहीं बन पाया राजनीतिक पेच के कारण, पेच के कारण वो भी यहाँ से कॉलेज 22 किलोमीटर दूर ले जाया गया है। किस जगह आकर कि अटल जी की भूमि है, अच्छा, जबकि अटल जी का घर ये है। ये हम आपको दिखा रहे, अटल जी का घर ये है जो हम आज आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे वैसे जैसे उनका ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं तो यहाँ पे उनकी तरक्की होनी चाहिए, यहाँ पे यहाँ के जो हम लोग, जैसे मैं उनका नाती हूँ और हम लोग अटल जी की फाउंडेशन चला रहे हैं जी, जो भी मांग हम कर रहे हैं जी वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम समाज के लिए देश के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल यहाँ के लोगों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो सुविधाएं पूरे देश में है बिल्कुल वो सुविधाएं भी गांव को नहीं मिल पा रही। वही तो, इस गांव को हमने देखा है, ट्रांसपोर्टेशन है ना, लाइट है, आप ये देख रहे हैं कोई लाइट वगैरह नहीं है। अच्छा, लाइट भी नहीं है यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, ये जो लाइट्स है यहाँ पर कोई लाइट वाइट की सुविधा नहीं, ये बस यहीं तक है, इसके आगे कोई लाइट नहीं है। बताइए, प्रधानमंत्री का गांव है जिसमें लाइट्स नहीं है। तो अभी ये है हमारे साथ भैया, आपका नाम? सचिन वाजपेयी। सचिन वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाती। तो चलते हैं, दिखाइए सर आप। ये जो अभी यहाँ पर एक पहले थान बना हुआ था जी, अब इस पे जो मंदिर का निर्माण भी है जी, हम पारिवारिक लोग मिलकर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भी कोई भूमिका नहीं है। जब आप एंटर हुए होंगे जी, हाँ, वहाँ पर एक गेट बना, हाँ, गेट बना हुआ, हाँ, लिखा उसमें। वो भी हमने अपनी संस्था के रूट से ही बनाया है, उस पर मतलब वो मैंने ही बनवाया। अच्छा, कम से कम एक निशानी तो रहे, बिल्कुल ना, तो यहाँ पर अटल जी की मूर्ति है जी, ना ही अटल जी के नाम से कोई ऐसी निशानी है जिससे ये पता लग सके ये अटल जी का गाँव है, जबकि उन्हें खत्म हुए काफी लंबा समय हो गया है और तमाम घोषणाएं रेगुलर होती जा रही हैं। इससे पहले भी हम लोग धरने पे भी बैठे थे, पारिवारिक लोग, गांव के लोग धरने पे बैठे, तब भी कहीं कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, हम लोग क्या है पेपर में देखते, न्यूज में देखते हैं उन्हें कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे है? जो दिखाया जा रहा है वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई देखनी है तो आप ये आइए, जंगल है ये, देखिए उनका घर है, ये उनका घर है। इससे अच्छा तो एक किसी गांव के प्रधान का घर होता है, बिल्कुल बिल्कुल, और समझ में नहीं आता है ये उनकी ईमानदारी का इनाम है या उनकी ईमानदारी की सजा है। तो ये उनका जितना अभी आप देख रहे हैं ये खंडर उनका घर है, ठीक है, जहाँ उनका बचपन बीता, यहाँ से बड़े हुए हैं। तो ये आप देख रहे हैं, भैया बता रहे हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाती हैं, उन्होंने बताई समस्या यहाँ की कि इस गांव में लाइट तक नहीं है। तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आप बता रहे हैं कि ये कुलदेवी ये मंदिर है, यही है ना मंदिर भैया? हाँ हाँ, ये मंदिर के हम पारिवारिक लोग बना अच्छा। रहे हैं, क्योंकि पहले जो जॉइंट फैमिली होती थी, हम लोग हमारे बाबा वगैरह यहीं रहते थे। अच्छा अच्छा, तो अभी सरकार से आप क्या चाहते हैं? सरकार से तो अब कोई उम्मीद ही नहीं रही है, क्योंकि इतने लंबे समय से कुछ नहीं किया तो लगता नहीं कि आगे भी कुछ करें। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सरकार तक बात पहुंच नहीं रही हो? ये आप इसलिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी तमाम मंत्री हैं उनसे हम पर्सनली जाके मिले हैं, गांव के लोग मिले हैं हम लोगों के साथ जाकर, क्योंकि दायित्व मैं ही निभा रहा हूं जी, और मैं भी दिल्ली से आकर यहां पर रह रहा हूं। उसका कारण यही है कि यहां की समस्याओं को दूर किया जा सके, और आप देख रहे हैं यहां से लेके उस कोने तक 60x100 का म्यूजियम घोषित है। अच्छा, फंड आ चुका है, पैसा भी ट्रांसफर हो गया है, जमीन भी ट्रांसफर हो गई, लेकिन काम नहीं है, काम नहीं है, और वो भी तब है जब हमने इतना मतलब रेगुलर आना जाना, क्या एक प्रधानमंत्री के लिए भी हमें मांग करनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी, नहीं, उसके लिए भी हमें मतलब बार बार जाके उन्हें बताना पड़ेगा कि आपको ये काम करना है। 3 साल से फाइट कर रहे हैं बटेश्वर के विकास के लिए जी, जबकि हर महीने न्यूज़पेपर में भी आप देख रहे होंगे तमाम घोषणा करते हैं 250 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, 1500 करोड़, लेकिन वो करोड़ों रुपया जा कहाँ रहा है? वही तो, हम जैसे यहाँ पे आए तो हमने ये सोचा प्रधानमंत्री रह चुके तो बहुत विकास होगा यहाँ पे और बहुत अच्छा मकान बना हुआ होगा। वही ये देखिए आप, पूरा खंडर पड़ा हुआ पूरा, ये देखिए कहीं भी आपको विकास नहीं दिखाई दे रहा। अब विकास की बात करें तो जब लाइट नहीं है गांव में तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या विकास होगा। यहाँ पर 6-6 फुट मट्टी जमी हुई थी, ये मट्टी भी हमने काफी कंप्लेंट्स कर करके तब यहाँ से हटवाई है, वो भी 1.5 साल में मट्टी हटवा पाए हैं। प्रधानमंत्री ऐसे गंदगी साफ करवा पाए 1.5 साल में? वही तो कह रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश में, पूरे जिसने देश को इतनी सुरक्षा दी, इतना सब कुछ किया, इतना आगे ले गए, और उनका ही गाँव देखिए इस तरीके से खंडर बना हुआ है, पूरा गांव आप देख रहे हैं ये पूरा, वहां से जहां भी हमने बोर्ड दिखाया। समय में सरकार तो कुछ कर ही नहीं पा रही है, लेकिन जो उन्होंने अपने समय में किया था वो भी सुरक्षित नहीं है। अब यहां से आप जाएंगे, एक होटल है जो उन्होंने ही बनवाया था, और भी कुछ इमारतें हैं जो अटल जी ने अपने समय बनवाई थी जी, वो भी खंडर हो गई, वो भी सुरक्षित नहीं है आज की डेट में।
बनवाना तो दूर, वो पुरानी चीजों को भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं कि मतलब एक प्रधानमंत्री का गांव इस तरीके से, इससे अच्छा तो एक जो गांव में प्रधान होते उनका होगा, और प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की ये देखिए आप गांव की हालत, जब लाइट नहीं है तो आप अंदाजा लगा सकते क्या होगा यहाँ पे, कुछ नहीं होगा, कोई विकास है ही नहीं है यहाँ पे। जिस तरीके से हम लोग सोच रहे थे कि बहुत हाई फाई बना होगा, बहुत कुछ होगा देखने लायक, लेकिन आज देख रही आप सामने, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, स्क्रीन पे जो देख रहे हैं सारा उन्हीं का है। ये जो मंदिर बन रहा है ऊपर, वहाँ से पूरा ये खंडर आप देख रहे हैं, सब उन्हीं का है। अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री रह चुके अपने भारत के, तो आप लोग देख लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी का घर इस तरीके से अभी खंडर हो गया है पूरा, देखिए इस तरीके से। ये है अटल बिहारी वाजपेयी का गाँव और ये है उनका घर। जी आप देख रहे हैं ऊँची ऊँची दीवारें देख रहे हैं आप, ये है ही उनका घर है, ठीक है, यहीं पर उनका बचपन पले बड़े हैं और यहीं से देखिए ये गांव उनका जन्मभूमि उनकी, ये वटेश्वर है जो अभी हम आए हैं यहाँ पे। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, एंड चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, थैंक यू सो मच आपने वीडियो वॉच करने के लिए। फिर मिलते हैं अच्छे से प्यारे से वीडियो के साथ। बाय बाय।